जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण। कयादु ने कहा कि नाथ आप ऐसे लौट के आने वाले नहीं, कुछ जरूरी बात हुई होगी। उसने कहा हाँ देवी, मैं तप करने को बैठा था और एक तोता आया, ऐसा तोता कि कभी न देखा, बक रहा था। बोले क्या बोल रहा था तोता? बोले तोता बोल रहा था श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कयादु को हुआ कि आज तो हमारा कुल पवित्र होने जा रहा है। जो भगवान का नाम लेने के लिए दंड देता है दूसरों को, और वही भगवान का नाम लिए जा रहा है, आजनी घड़ी रड़ियामणी मारा प्रभु ना नाम नी वधामणी। कयादु ने टेक्निक की और माइयों को स्त्री चरित्र करने में मेहनत नहीं पड़ती। जयराम जी की माइयों को लीला करने में मेहनत नहीं पड़ती, उनके स्वभाव में कुदरत ने दे रखा है। नृपस्य चित्तम, राजा का चित्त कब कैसा बदल जाए, कितना भी नेता वचन कहे लेकिन काम कब हो वो भगवान जाने। जयराम जी की, मेरे को बड़े बड़े नेताओं के वचन प्रॉमिस याद है। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, कृपण आदमी का धन कितना है कोई पता नहीं, दुर्जन आदमी के मनोरथ क्या क्या हो सकते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, और स्त्री चरित्र क्या क्या कर सकती है आपके और हमारे और देवताओं के बश की बात नहीं। जयराम जी की, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जना मानवानाम, स्त्री चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्या। दो भाइयों को अलग अलग भी स्त्री करा सकती, और चार भाइयों को एकत्रित करके एक ही चूल्हे पर एक दूध शक्कर कर के नाई जीवन बिताने में भी स्त्रियों का सहयोग चाहिए। जयराम जी की, और घर को नरक बनाना हो तो भी स्त्री स्वतंत्र है, और नरक जैसे घर को स्वर्ग बनाना है तो भी स्त्री में युक्ति होती है। कर कसर से जी और आपको टेंशन रहित कर दे वह भी स्त्री की कला है, और आप कितना भी लाए सब चट हो जाए फिर भी परेशानी परेशानी रहे ये भी स्त्री के हाथ की बात है। इसलिए होम मिनिस्टर का कदर करने का जमाना है भैया। नारायण नारायण। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी का आदर होता है वहां देवता का निवास है, ऐसा अपने शास्त्रों ने कहा है। आजकल जो फोटो बोटो अखबारों में या और कुछ एडवर्टाइज की जगह पर स्त्री का अपमान हो रहा है, उसको थोड़ा ब्रेक लगना चाहिए, ऐसा सब लोग सोचते हैं, हम भी सहमत हैं। खैर मैं कयादु की बात बता रहा हूँ कि कयादु ने फिर से पूछा कि नाथ वो तोता क्या बोलता था। बोले तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। फिर एक आध पंखा हाँक दिया, एक आध पूड़ी रख दी, ढोकड़ा रख दिया, पकौड़ा धर दिया। बोले वो तोता बोल रहा था क्या, मैं तो भूल गई। ऐसा चरित्र किया कि पुरुष को बार बार भगवान का नाम लेने से कुछ तो पुण्य हो मुआ को। ऐसा नहीं बोलती मुआ पुण्य होगा तू बोल, नहीं मैं भूल गई जरा फिर से बोलो ना। देखती है कि अभी जरा भोजन से संतुष्ट है, मौके का फायदा ले ले, इसको जरा भक्ति का रंग लग जाए। अच्छा तो वो क्या बोल रहा था बोलो ना बोलो ना। हाँ वो तो ढीला ढीला हो गया। बोले क्या वो प्रिय वो बोल रहा था नारायण नारायण। प्रिय का प्रेम भी नारायण बोलने में वो प्रेम काम देगा, इसका हृदय शुद्ध होगा। वो ऐसी अदा करती है, ऐसा पंखा हांकती है, ऐसी अटखेलियां करती है कि उसका क्रूर हृदय भी इस समय तो प्रिय बोलता है प्रिय। तो उस तोता ने बस मेरी तपस्या खराब कर दी। बोले तपस्या खराब हुई या सफल हुई कोई बात नहीं, वो क्या बोल रहा था? बोले बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते 5-25 बार नारायण नाम का स्मरण करवा दिया। कयादु ने देखा कि आज जीवन का इनका पहला दिन है कि नारायण नाम का इतना जप हो गया है। नरानाम अयनम इति नारम, नर नारियों के हृदय में जो चेतना दे रहा है उस परमेश्वर का नाम नारायण है। जैसे रेलवे को चलना होता है तो रेलवे तो लोहे की होती है, लेकिन ये सारा लोहा ही लोहा रेलवे के ट्रेन इस इंजन में होता है, फिर भी लोहे से नहीं चलती ट्रेन, चलती है स्टीम से। ऐसे ये सारा जगत 5 भूतों का है, लेकिन 5 भूतों से नहीं चलता है, परमात्मा रूपी स्टीम से चलता है, और उस परमात्मा रूपी स्टीम का सहारा सबको लेना पड़ता है, चाहे भोगी हो चाहे त्यागी हो
चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इस लोक का हो, चाहे परलोक का हो, सबको सत्ता उस चैतन्य की लेनी पड़ती है। जैसे ओरिएंट के पंखे हो या उषा के हो, अथवा एम्पलीफायर किसी आहूजा का हो या किसी और का हो, या ट्यूबलाइट किसी और कंपनी की हो, लेकिन सबको करंट तो पावर हाउस का ही चाहिए। ऐसे ही सबको करंट तो उस चैतन्य नारायण का चाहिए, और नारायण का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो वो क्या कह रहा था तोता? बोले तू तो बार बार पूछती है, मेरे को अच्छा लगता है, बोलो ना। बोले बोल रहा था प्रिय नारायणो नारायणो नारायण। कहा तूने देखा आज काम बन जाएगा कुछ। अब तो पति भोजन भोजन करके शयन खंड में गए हैं, और पत्नी देवी पैर चंपी कर रही, पैर चंपी करते करते पूछ रहे कि आप तो नींद कर रहे हैं, मेरे को बताओ ना वो तोता क्या बोल रहा था। बोले तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। अब कयाधु ने गिनती चालू किया और हृदय में संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए एक माला भगवान के नाम की तो इससे लेवाऊंगी। और पुरुष कई बार ऐसा दुनिया की नजरों में कितना भी वीर हो, लेकिन जिस समय पुरुष के मन में कोई संसार की कामना आ जाती है, बड़ा लेडा हो, बड़ा साहब हो, जिसके सिग्नेचर से लाखों आदमी मर मिटते हो, उसको भी लेडियों ने नचाया है, ये इतिहास है। जयराम जी, पुरुष की कमजोरी है। तो पैर चंपी करे और खाना वाना खा के सोया हो राक्षस, और कयाधु देवी पैर चंपी करे, अब तो उसके हाथ में सारी चाबियां, जैसे नचाना चाहे नाचे वो तो बंदा। पैर चंपी करती जाए, सहलाती जाए चरणों को, वो तोता क्या बोल रहा था? बोले मुझे तो नींद आती है। हाँ हाँ, लेकिन नींद आती है, मैं जानती हूँ नींद आती है, वो बोलते तो जाओ जरा। बोले नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते करते कयाधु ने 108 बार नारायण नाम का उस घोर कुकर्मी से, जो भगवान का नाम सुनकर ही आग बबूला हो जाता था, जिसने भगवान के नाम लेने वाले पर दंड का आदेश कर दिया था, सजा फरमान कर देता था, उससे 108 बार भगवान नाम लिवाया। उसके बाद ही कयाधु के शरीर में प्रहलाद का गर्भाधान हुआ है। इस बात से पता चलता है कि पिक्चर देखकर, गाने गाकर, अथवा विलासी चिंतन करके संसार व्यवहार में जो गिरते हैं, उनके बच्चे अलग किस्म के होते हैं। भगवान का चिंतन स्मरण करने के बाद भगवान की कोई कृपा पात्र आत्मा आती है तो राक्षस कुल का कल्याण हो जाता है, तो मनुष्य कुल का कल्याण हो जाता है।